भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच एक राहत इस संक्रमण से ठीक होने वालों का बढ़ता ग्राफ दे रहा है। गुरुवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 56,338 मरीज ठीक हुए हैं। इसी के साथ ठीक होने वालों की संख्या 17 लाख के करीब पहुंच गई है। आंकड़ों के मुताबिक ठीक होने वालों का कुल आंकड़ा 16,95,982 हो गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो कोरोना वायरस संक्रमण मामले की मृत्यु दर में भी सुधार हुआ है और ये अब 2% से नीचे आकर 1.96% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 942 लोगों की जान गई है। इसी के साथ कुल मौत का आंकड़ा 47,033 पर पहुंच गया है। वहीं बात की जाए एक्टिव केसेस की तो फिलहाल पूरे देश में 6,53,622 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसमें कुछ अस्पताल में हैं, तो कुछ का घर पर ही इलाज हो रहा है। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 66,999 मामले सामने आए हैं और इसी के साथ गुरुवार को संक्रमण के मामले बढ़कर 23,96,637 हो गए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में 12 अगस्त तक कुल 2,68,45,688 नमूनों की जांच की गई है। इनमें से बुधवार को 83,391 सैंपल्स का टेस्ट हुआ, जो एक दिन में जांच की सबसे ज्यादा संख्या है। वैसे इसके साथ ही भारत भी दूसरे देशों की तरह कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज में भी जुटा है।